अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही ये समर बेस के लिए हमें कुछ बताएं, क्या फाउंडेशन फेस पे अप्लाई हो, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, सबसे पहले आपने अपनी स्किन चेक करनी है, ऑयली है, ड्राई है, अनइवन है, और उसी के अकॉर्डिंगली आप बेस चूज़ करेंगी, ठीक है। और अगर ऑयली स्किन है और मौसम ऐसे, आपको पता है इस मौसम में फेस पर दिल तो यही करता है इंसान कुछ भी अप्लाई ना करे, लेकिन फंक्शंस आ ही जाते हैं, शादियां, ब्राइड्स में रेडी होना है, तो ये है कि फेस के अकॉर्डिंगली ही आप देखेंगे बेस को। और सबसे पहले आप कोशिश करें ये समर बेस जो है, अगर आप लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई कर रही हैं, चूज़ कर रही हैं, तो कोशिश करें कि वाटरप्रूफ हो, मैट हो। जैसे ये देखें, आप देख रही हैं मिस रोज़ की ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर मैट वियर लिक्विड फाउंडेशन, आपको पता है इसके ऊपर टैग किया हुआ है उन्होंने। और इसके अलावा ये रिवाज की फाउंडेशन है, ये भी बहुत अच्छी बेस है, ये मैं मोस्टली ब्राइड्स के ऊपर यूज़ करती हूँ। और ये आप कह सकते हैं कि ये काशी की ही टक्कर की बेस है ये जो फाउंडेशन है। ये मैक की बड़े बड़े जो ब्रांड हैं, मैक की हो गई या इसके अलावा ये काशीज की हो गई, आप अगर इनको इसका टेक्सचर यूज़ करेंगी या इसका करेंगी तो आपको बिल्कुल एक जैसा ही दिखेगा। और ये बहुत देर के लिए स्किन पर रहती है, कम से कम 12 से 14 घंटे तो ये फेस पर टिकी रहती है, ठीक हो गया। और ये दोनों बेसिस हैं, थोड़ी सी मतलब इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हाई कवरेज भी है और काफ़ी देर स्टे भी करती हैं। ऑफकोर्स इनके जो जो पैसे हैं वो भी ज़्यादा होंगे। और अगर अफोर्डेबल में हम जाते हैं, अगर कोई कहता है कि हमें अफोर्डेबल बताएं कैजुअल यूज़ के लिए, तो ये मिस रोज़ का जो मैट फाउंडेशन है ये बहुत अच्छा है, ये भी तकरीबन 8-10 घंटे ईजीली आपके स्किन के ऊपर ना स्टे करता है, ठीक हो गया। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी स्किन को प्रेप करना है, ऑयली स्किन है तो ऑयल फ्री करने के लिए हम ठंडे पानी के छींटे फेस पे मारेंगे। आपने काफ़ी ज़्यादा ठंडे पानी के छींटे मारने हैं, आप एक ब्लॉक भी ले सकते हैं बर्फ़ का और फेस पर अच्छे तरीके से आपने उसको लगा के, और तकरीबन 1-1.5 मिनट के बाद आपने थोड़ा रिलैक्स करना है। उसके बाद स्किन पर रोज़ वाटर अप्लाई करें, उसको भी ड्राई होने दें। देन आपने कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले लें, किसी भी कंपनी का, ये रिवाज का भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा जो मेरा फेवरेट है ये स्वीट टच का है, ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है और ये काफ़ी देर स्किन पर स्टे भी करता है। और स्किन जो आपको कहते हो कि स्किन के ऊपर लाइंस आ जाती हैं वो भी नहीं आती इसके साथ, तो सबसे पहले आपने ये कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर लें स्किन के ऊपर। अगर आप नेचुरल सी लुक चाहती हैं तो आप जस्ट ये अप्लाई करें, कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर, लेकिन मुझसे पूछें कि फेवरेट कौन सा है, तो ये मेरा फेवरेट है स्वीट टच का। ये डायरेक्ट अपनी स्किन पर अप्लाई करें और ऊपर आप कोई सा भी ब्लश ऑन लगाएं, शाइनर लगाएं, तो आपकी बेस रेडी हो जाएगी, ठीक हो गया। और अगर आप थोड़ी हैवी बेस चाह रहे हो तो आप सबसे पहले आप ये मिस रोज़ का लिक्विड फाउंडेशन है मैट, ये अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद आप उसके ऊपर ये कॉम्पैक्ट पाउडर अच्छा सा टैप टैप करके अप्लाई कर लें और आपकी बेस कम्प्लीट हो जाएगी। और इंशाल्लाह ताला कोई स्वेटिंग भी होगी तो बेस आपकी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। और आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद अगर आप चाहते हो स्किन पे थोड़ी सी शाइन आए, आप कोई सा भी शाइनर जो है आप लेकर उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो बेस के ऊपर, ठीक हो गया ना, स्किन में थोड़ी सी शाइन आ जाएगी, ग्लो आ जाएगा स्किन में। तो ये इंशाल्लाह ताला आप यूज़ करना और मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।